पूर्व मंत्री का बड़ा बयान। गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं ब्राह्मण। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मण गाजर और मूली की तरह काटा जा रहा है। प्रदेश में पड़ रही है अराजकता। अराजकता, गुंडई, हत्या, लूट, बलात्कार, इन सारे कामों में केवल योगी आदित्यनाथ की सरकार नंबर एक है। अब ब्राह्मण गिराएंगे योगी सरकार। और आज पूरे प्रदेश के ब्राह्मण इस बात का मन बना लिया है और इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। जी हाँ, प्रतापगढ़ पहुंचे पूर्व मंत्री ने खुले तौर पर सीएम योगी को चुनौती देते हुए साफ कहा कि प्रदेश में ब्राह्मण गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही लफ्जों के साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। वो मंच पर आक्रामक हो गए और ब्राह्मणों के साथ हो रही नाइंसाफी को उन्होंने मुद्दा बनाया। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मण गाजर और मूली की तरह काटा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। आज पूरी योगी आदित्यनाथ की सरकार केवल ब्राह्मणों पर जुल्म अत्याचार कर रही है और आज पूरे प्रदेश के ब्राह्मण इस बात का मन बना लिया है। ब्राह्मणों के साथ साथ अगले पिछले दलित सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। अराजकता, गुंडई, हत्या, लूट, बलात्कार, इन सारे कामों में केवल योगी आदित्यनाथ की सरकार नंबर एक है। प्रतापगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा कि 3.5 साल की सरकार में पूरा उत्तर प्रदेश अराजक तत्वों की भेंट चढ़ गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वक्त फर्जी एनकाउंटर की भरमार है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि पूर्व मंत्री ने महोबा में व्यापारी की हत्या के मामले को भी उठाते हुए सीएम योगी को ही आड़े हाथों ले लिया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने जब से यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण है, लगातार इनके लोगों को मारने का, इनके बिरादरी के लोगों का फेक एनकाउंटर करने का काम जारी है। और इससे बड़ा प्रमाण क्या मिलेगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के कप्तान SSP जिनके ऊपर अभी महोबा में एक व्यापारी ने लगाया इल्जाम, अपना ऑडियो और वीडियो जारी किया कि हम उससे पैसा लेते हैं, 6-6 लाख रुपया प्रतिमाह लेते हैं, अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो मेरी हत्या हो जाएगी, अगर मेरी हत्या होती है तो उसके जिम्मेदार स्वयं SSP कप्तान होंगे। आप सोचिए, अगर व्यापारी योगी आदित्यनाथ सरकार के कप्तान पर इस तरह का आरोप लगा रहा है तो आप कानून व्यवस्था की स्थिति समझ सकते हैं। पवन पांडे के आक्रामक रूप को देखते हुए एक बात तो साफ हो गई कि इस बार समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये सब मिलकर BJP की नींव हिला पाते हैं या फिर खुद ही टाइम टाइम फिस हो जाते हैं। प्रतापगढ़ से न्यूज कॉम्बिनेशन के लिए विकास गुप्ता। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।